सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू माई चैनल स्पेक विजन। तो कैसे हैं आप लोग? तो बिहार पॉलिटेक्निक 2021 के लिए बहुत बड़ा अपडेट है। आप लोग सभी लोग जान रहे हैं कि काउंसलिंग प्रक्रिया 13 तारीख से स्टार्ट होने जा रही है, या फिर हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हैं तो स्टार्ट हो भी गई होगी। तो देखिए, काउंसलिंग कैसे करना है, ठीक है, और चॉइस फिलिंग, इसी को हम लोग बोलते हैं ना चॉइस फिलिंग, कि आप लोग चॉइस करते हैं कि आप लोग को कौन कौन सा कॉलेज चाहिए, ठीक है, कौन कौन सा कॉलेज आप चॉइस करोगे, उसी हिसाब से आपका अलॉटमेंट लेटर में एक दो कॉलेज आता है कि हाँ ये कॉलेज का कट ऑफ क्लियर हुआ तो ये आएगा, उसी को बोलते हैं हम लोग चॉइस फिलिंग। तो चॉइस फिलिंग कैसे करें, उसका मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप लोग को बताऊंगा, कैसे आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना है BCC के साइट पर, कैसे आपको चॉइस फिल करना है, कैसे कौन सा ब्रांच डालना है, एवरीथिंग आपको डिटेल से बताऊंगा इस वीडियो में। दूसरी बात, कुछ ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसको अप्लाई करके आप एश्योर कर सकते हो कि आपको कॉलेज मिले, ठीक है। तो अगर आप हमारे साथ चैनल पर न्यू जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर हमारे साथ पहले जुड़े हुए तो आप इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आगे भी आने वाले टाइम में आपको सारा अपडेट सबसे पहले चैनल पर मिलेगा। सो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग जाएंगे BCC के साइट पर। आप लोग को सभी को पता होगा कि BCC का साइट पर जाएंगे और यहाँ पर काउंसलिंग पोर्टल ओपन होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर BCC के साइट, आप लोग को सभी को पता है कि BCC का ऐसा क्या साइट है। यहां पे जाने के बाद हम लोग को, देखिए अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो काउंसलिंग पोर्टल नहीं ओपन हुआ है DCC का, बट मैं जो आपको दिखाऊंगा काउंसलिंग करके ITI के पोर्टल से दिखाऊंगा कैसे होता है, और सेम प्रोसेस है, एक भी 0.001% प्रोसेस भी डिफरेंस नहीं है कि आपका पॉलिटेक्निक का कैसे होगा, ITI का कैसे होगा। तो जैसे आप खोलोगे यहाँ पे, आपको यहाँ लिखा हुआ आएगा ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल ऑफ DCCP, ठीक है, जैसे यहाँ भी लिखा रहा है ना ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल ऑफ ITI CAT 2021, इसी तरह लिखा आएगा DCCP, तो आपको उस पर क्लिक करना है। चलिए हम लोग ITI पे क्लिक करके अभी आपको दिखा देते हैं, क्योंकि सैंपल है, सब चीज़ सेम रहेगा लेकिन, ठीक है। जैसे आप खोलोगे कुछ इस तरीके का साइट आपको खुलेगा, ठीक है, सबसे पहले इस तरह का साइट आपको खुलेगा। यहाँ पे आपको सीट मैट्रिक्स दिखेगा DCC का, इंस्टीट्यूट लिस्ट भी दिखेगा जैसे यहाँ पे ITI का दिख रहा है। उसके बाद आप लोग को क्लिक कहां करना है, यहां पे क्लिक करना है, सबसे नीचे यहां दिखेगा रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर DCCP, तो आप लोग को इस पे करना है क्लिक, ठीक है। जैसे आप लोग इस पे क्लिक करोगे, आप लोग के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस यहां आ जाएगा। अब देखिए, अब यहां क्या करना है आपको ध्यान से समझिए, ठीक है, ध्यान से समझिए। अब आपको क्या करना है, यहां पर क्लिक करना है सेलेक्ट स्ट्रीम पे, ठीक है। यहां पर आएगा आपको DCECP, यहां पर आपको सेलेक्ट कर लेना है DCECP। जैसे कि देखिए, मैं अभी ITI का आपको सैंपल दिखा रहा हूं, तो ITI मैंने क्लिक कर लिया। उसके बाद यहां पे आपको क्या डालना है, ध्यान से समझिए, यहां पे आपको डालना है आपका रोल नंबर, ठीक है, जो रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड पे है। यहां पे आपको डालना है पासवर्ड, आपने जो पासवर्ड सेट किया था जब आप काउंसलिंग कर रहे थे, जब आप सॉरी फॉर्म भर रहे थे उस टाइम। अगर आपको बाय द चांस पासवर्ड याद नहीं है तो आप लोग को करना है फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक। इस पे क्लिक करोगे तो आपको अपना नाम पूछेगा, आपका रोल नंबर पूछेगा, आपका फ़ोन नंबर पूछेगा। नेक्स्ट कीजिएगा तो आपको फ़ोन नंबर पे OTP आएगा, OTP डालिएगा तो आपको पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं, आप यहाँ से फॉरगेट आराम से कर सकते हो। चलिए, सब चीज़ जब डाल लीजिएगा पासवर्ड तो यहाँ पे एक सिक्योरिटी कोड पूछता है, यानी कि जैसे नीचे लिखा हुआ है सेम टू सेम हमें ऐसे ही लिख देना है, ऐसे लिख के कर देना है यहाँ पे साइन इन पे क्लिक, ठीक है। ध्यान रखिएगा सारा प्रोसेस सेम है, ITI का हो, DCC का हो, LE का हो, सबका प्रोसेस सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसके बाद क्या होगा, देखिए इसका जो भी मोबाइल नंबर आपने यूज किया था रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, उस पर एक OTP आएगा, ठीक है, या फिर ईमेल पे एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पे आपको एंटर करके लॉगिन करना है। प्रोसीड करोगे आपका होम पेज खुल जाएगा, तो चलिए हम लोग OTP यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। जैसे ही आप OTP डाल दीजिएगा, आप लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है, आप लोग इस इंटरफेस को अच्छे से समझ लीजिए। दूसरी बात, आप मोबाइल से खोलोगे या PC से खोलोगे, सब में ऐसा ही दिखेगा, मोबाइल में सिर्फ थोड़ा कॉम्प्लेक्स में दिखता है ऐसे करके, तो आप मोबाइल में भी आराम से काउंसलिंग कर सकते हो, आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने जा रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको ऊपर में देखना है, यहाँ पर 5-6 मेनू दिख रहा है। अब ये मेनू क्या है एक एक करके मैं आप लोग को समझा देता हूँ। होम में आपको ये दिखेगा, ये कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन डिटेल में आपका क्या क्या रजिस्ट्रेशन है, क्या क्या आपका फॉर्म भरने टाइम दिया था, वो दिखेगा। जैसे मैं आप लोग को दिखा देता हूँ यहाँ पे, देखिए जैसे ही हम लोग रजिस्ट्रेशन डिटेल पे क्लिक करेंगे, जो जो आपने फॉर्म भरा था, जो डिटेल आपने डाला था, वो डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे चॉइस फिल, तो इसको मैं थोड़ा देर बाद आपको बताता हूँ, क्योंकि सबसे मेन काम इसी का है। फिर है सीट अलॉटमेंट डिटेल रिजल्ट, जब आपका सीट अलॉटमेंट आएगा तो आप लोग इसी पे क्लिक करके आप लोग को देखना है कि आपका फर्स्ट राउंड में कोई सीट मिला नहीं मिला, सब चीज़ इसी पे देखना है। फिर लॉगिन हिस्ट्री, आपका कब कब किस किस IP एड्रेस पे आपने लॉगिन किया, यहाँ देख सकते हो,
अगर आपको पासवर्ड अपना चेंज करना है, सिक्योर करना है अकाउंट, तो यहाँ से पासवर्ड चेंज कर सकते हो। और जब आपका चॉइस फिलिंग हो जाता है तब आप मेक श्योर करो कि इसे लॉग आउट कर दो, ठीक है? ठीक है, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज से ये सही रहता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं चॉइस फिलिंग, ठीक है? चॉइस फिलिंग में जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ 4-5 ऑप्शन दिखेंगे, ठीक है? सबसे पहला हमारा अवेलेबल चॉइस। अवेलेबल चॉइस पर क्लिक करोगे तो आपका जितना भी अवेलेबल चॉइस है वो दिखेगा। तो ये चूंकि ये ITI का है, तो ITI में क्या होता है ना, जिस डिस्ट्रिक्ट का कैंडिडेट है सिर्फ उसी डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। तो इनके पास टोटल यहाँ पे 28 चॉइस है। बट जब आप यहाँ पे DCC का भरोगे तो आपके पास लगभग आपका जितना भी ऑल ओवर बिहार पॉलिटेक्निक कॉलेज है प्लस जितना भी ब्रांच है सारा चॉइस यहाँ दिखेगा। तो लगभग आपको 200 प्लस चॉइसेस यहाँ पे दिखेंगे। तो इससे आपको कुछ नहीं करना है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा और पहले से आप कट ऑफ देख के अपना प्रिपेयर रखना कि मुझे ये कॉलेज प्रेफरेंस में लेना है। फिर आपको सेकेंड पे जाना है फिल चॉइस पे, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, यहीं से आपका फिल होगा, ठीक है? तो अभी देखिए ये 3 चॉइस मैंने फिल कर रखा था, तो इसको ये नहीं रहेगा, आप में यहाँ पे 0 रहेगा। अब आपको कैसे कैसे डालना है, देखिए सबसे फर्स्ट नंबर पे जो आपका चॉइस है यहाँ से आपको ये जो सेक्शन, ध्यान से देखिए ये सेक्शन से आपको वो कॉलेज ढूंढना है, ठीक है? अब मान लीजिए आपका सिविल लेना है, ठीक है? सबसे पहला चॉइस आपको सिविल डालना है, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इंस्टीट्यूट टाइप में यहाँ पे आपको गवर्नमेंट रहेगा और यहाँ पे ये प्राइवेट रहेगा, यहाँ पे ऑल कीजिएगा। पहले इंस्टीट्यूट टाइप में आपको गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों रहेगा, तो आपको गवर्नमेंट लेना है, गवर्नमेंट सेलेक्ट कर दीजिएगा। फिर इंस्टीट्यूट वाइज में मतलब जितना भी इंस्टीट्यूट रहेगा 42 या 45 जितने भी कॉलेज हैं सारे कॉलेज के यहाँ लिस्ट रहेंगे। मान लीजिए आपको कटिहार में सिविल डालना है, कटिहार के मान लीजिए ये कटिहार है, कटिहार पे क्लिक कीजिएगा तो कटिहार का जितना भी कोर्स है वो आपको यहाँ दिख जाएगा, ठीक है? सिविल यहाँ इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, तो इसको मान लीजिए ये सिविल है, मान लीजिए इसको ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ देखिए ऐड हो गया। अब इसको फर्स्ट नंबर पर ले जाना है, तो इसको ऊपर कर करके यानी आपका तो ऐसे पहली बार कीजिएगा तो फर्स्ट में ही जाएगा, बट इसको ऊपर कर करके ऐसे करके फर्स्ट पे लेते हैं। यदि ये हो गया आपका फर्स्ट चॉइस, समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए उसके बाद देख लीजिए, अगर आपको मान लीजिए सिविल ऑल कॉलेज का सिविल डालना है सबसे पहले, तो इसको ऑल में ही रहने दीजिए। यहाँ कोर्स वाइज में यहाँ सिविल आएगा आपका, यहाँ सिविल चूज कर दीजिए। सिविल कीजिएगा तो आपका जितना भी कॉलेज में सिविल है, जितना भी कॉलेज में, तो यहाँ पे दिख जाएगा, सबको एक एक करके यहाँ पे ऐड कर दीजिए, ठीक है? और ऐड करने के बाद जब आप होम पे जाइएगा तो उसके बाद आपको सारा प्रेफरेंस के हिसाब से आपको एक नंबर पे जो चाहिए, दो नंबर पे जो चाहिए। और देखिए सबसे बड़ा बात, DCC का साइट यानी BCC का साइट में थोड़ा इरर रहते हैं, तो इस तरीके का आपको इरर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर से लॉग इन कर लेना है, तब आपका इरर जो है ये सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को कि BCC का साइट थोड़ा सा स्लो है, तो हो सकता है कभी कभी जो है ना ये आपको इरर देखने को आएगा, देखने को ऐसा इरर मिल सकता है। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो फिर से लॉग इन कर लीजिएगा तो आपका ये हो जाएगा सक्सेसफुल्ली। चलिए ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ, समझ में आया आप लोग को? देखिए अब उसी तरीके से आपको मान लीजिए इलेक्ट्रिकल डालना है। पहला आपने यहाँ पे सिविल, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिसियन डाला हुआ है, आपका सिविल डाला गया सारे कॉलेज में, आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, नीचे ऊपर सब चीज़ कर सकते हैं। अब आपको इलेक्ट्रिकल डालना है सबसे सेकंड में, तो आपको यहाँ कोर्स वाइज में यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सेलेक्ट कर देना है। जैसे आप इलेक्ट्रिकल सेलेक्ट करोगे यहाँ जितना भी कॉलेज रहेगा आपका इलेक्ट्रिकल का सारा यहाँ आ जाएगा, सबको एक एक करके ऐड कर दीजिए। फिर आपको मैकेनिकल डालना है, तो यहाँ से बस आपको ब्रांच चूज करना है, कॉलेज आएगा और यहाँ पे गवर्नमेंट रखिएगा, ध्यान रखिएगा, नहीं गवर्नमेंट रखिएगा तो आपका यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज आएगा, आप उसको भी ऐड कर दीजिएगा, ठीक है? तो समझ में आ रहा है आप लोग को? देखिए दूसरी बात, एक दो ट्रिक है जो मैं आप लोग को बताता हूँ जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपको ये चॉइस फिल करने में। देखिए सबसे पहला ट्रिक है कि आप अपना रैंक देखिए, ठीक है? अपना रैंक देखिए, अगर आपका रैंक मान लीजिए 20,000 प्लस है, 15,000 प्लस है, तो आप अपना रैंक देख के अपना कट ऑफ चेक करके भरिए। ये नहीं कि मेरा रैंक है 30,000 है रैंक और हम सबसे पहले डाल रहे हैं सब में सिविल, क्या भाई हमको सिविल चाहिए सिविल, ऐसे नहीं होता है, ऐसे आपका फेंका जाइएगा। देखिए होता क्या, एक्चुअली फर्स्ट राउंड जब होगा, फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट आएगा, तो उसमें 50-60 आपका चॉइस देखेगा। अब 50-60 चॉइस में आपने सिविल डाला हुआ है, वो आपके कट ऑफ से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो आपको कॉलेज नहीं देगा, आपको फेंक देगा किसमें, सेकंड राउंड में। सेकंड राउंड में फिर 50-60 देखा जाएगा, उसमें आप इलेक्ट्रिकल डाल दिए, आपका मैच ही नहीं कर रहा है कट ऑफ, फिर आपको फेंक देगा सेकंड राउंड के बाद। होता नहीं है, मॉपअप होता है जिसमें बहुत कम चांसेस रहता है, तो इसीलिए आप अपने रैंक के हिसाब से डालिए। अब किसी का अगर 30,000 रैंक है तो वो ये गलती ना करे कि सबसे ऊपर सिविल, वो अगर उनको कॉलेज लेना है, गवर्नमेंट कॉलेज लेना है, तो सबसे ऊपर वो मैकेनिकल डाले, इलेक्ट्रॉनिक्स डाले, ताकि आपका पहला अगर चॉइस देखा जाता है मैकेनिकल, अगर मैकेनिकल का कट ऑफ क्लियर होगा तो मैकेनिकल आपको दे दिया जाएगा। अब मान लीजिए मैकेनिकल नहीं होता है तो सेकंड चॉइस सेकंड राउंड में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स देखा जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो गया तो इलेक्ट्रॉनिक्स दे दिया जाएगा, बट कॉलेज मिल जाएगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? और इसी तरीके से आप रहिएगा, नहीं हम तो पहले सिविल डालेंगे, आप डालिए सिविल, ऐसा मैंने नहीं बोला नहीं डालिए, लेकिन पहले कट ऑफ के हिसाब देखिए। अब किसी का 5,000 रैंक है तो ऑब्वियस सी बात है वो पहले सिविल डालेगा और सिविल उसको मिल ही जाएगा, ठीक है? लेकिन जिनका हाई रैंक था उनके लिए ये सजेशन था। दूसरी बात, आप लोग जो चॉइस फिल कर रहे हो, ठीक है,
एकदम से पिछला साल के कट ऑफ पे आप लोग विश्वास नहीं करना, क्योंकि देखिए पिछला बार 2020 में बहुत उल्टा सीधा हुआ था। 2020 में आपका फरवरी में टोटल एडमिशन प्रोसेस हुआ था, तो इतना लेट से जब एडमिशन प्रोसेस हुआ था आप सोच सकते हैं कि कट ऑफ थोड़ा लो गया था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अदर अदर जगह एडमिशन ले लिए थे। तो एकदम से पिछला साल के कट ऑफ पे निर्भर आप लोग नहीं रहिए। आप लोग से मेरा सजेशन है कि आप लोग 2019 का कट ऑफ देखिए, क्योंकि 2019 में सब चीज़ सही था, कोविड उविड नहीं था, तो उस टाइम का जो कट ऑफ है वो आपको एकदम एग्रीगेट आपको देगा पहले, ठीक है। तीसरी बात, अपना लिस्ट तैयार कर ले, अपना रैंक के हिसाब से, कट ऑफ के हिसाब से लिस्ट तैयार कर ले, अपना टॉप 10 कॉलेज ऐसा को प्रिफर करे कि जिसको हमको कट ऑफ के हिसाब से मिल जाएगा, सबसे पहले वो 10 को दे दे, 10 कॉलेज दे दे, समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए और चौथा बात, बहुत सारे बंदे ऐसे करते हैं जिनका 40,000-50,000 रैंक है, तो वो क्या करेंगे, पहले सिविल डालेंगे, इलेक्ट्रिकल डालेंगे, मैकेनिकल डालेंगे, तो मिक्स चॉइस को प्रिफर कीजिए, आप लोग को फायदा होगा। अब बोलेगा मिक्स चॉइस क्या होता है, तो इलेक्ट्रिकल प्रेफर कीजिए, फिर मैकेनिकल, फिर इलेक्ट्रॉनिक, ऐसे करके, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक बार जैसे कि एक कॉलेज है जेपी कटिहार, कटिहार का हम सिविल डालिए, मैकेनिकल डाल दिए, इलेक्ट्रिकल डाल दिए, इलेक्ट्रॉनिक्स डाल दिए, फिर बांका, बांका का मुंगेर डाल दिए, ये इलेक्ट्रिकल डाल दिए, सिविल डाल दिए, मैकेनिकल डाल दिए, फिर भागलपुर, तो ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आपका प्रेफरेंस है कि नहीं हमको सिविल ही लेना है, उसके अलावा कोई ब्रांच ही नहीं लेना है, तो आप सिविल कीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और लोगों के मन में आता है कि मेरा प्रेफरेंस है कि हमको इलेक्ट्रिकल ही चाहिए, तो क्या हम अदर ब्रांच ऑप्शन में ही नहीं डाले, ये गलती नहीं कीजिएगा। अगर मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिकल ही चाहिए और कोई ब्रांच अगर, तो इलेक्ट्रिकल आप 3800 कॉलेज, 4200 कॉलेज सबसे ऊपर में डालिए, लेकिन उसके बाद खाली नहीं छोड़िए, उसके बाद सारा कॉलेज में आप सिविल डाल दीजिए, मैकेनिकल डाल दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स डाल दीजिए। तो देखिए जब देखा जाएगा आपका चॉइस फिलिंग के लिए, सबसे पहले आपका इलेक्ट्रिकल ही देखा दिया जाएगा, तो इलेक्ट्रिकल आकर आपके कट ऑफ में होगा तो इलेक्ट्रिकल आपको मिल जाएगा, कोई दोराय नहीं है। लेकिन अगर आपके कट ऑफ में नहीं आया तो क्या होगा, तो आपको अदर ब्रांचेज भी मिल जाएंगे, ठीक है। और इतनी जल्दी आप लोग डिसाइड नहीं कीजिए कि यही ब्रांच चाहिए, पहले अलॉटमेंट आने दीजिए, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा। बाद में भी अगर आपको ब्रांच पसंद नहीं आया तो अपग्रेडेशन होता है जब आप एडमिशन के लिए जाइएगा। मानता हूँ थोड़ा टफ प्रोसेस है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा, बट होता है, ठीक है, बट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, मान लीजिए आपने चॉइस फिल कर दिया, ठीक है, मान लीजिए आपने चॉइस फिल कर दिया, टोटल आपका चॉइस फिल हो गया। अब इसको लॉक करना रहता है। लॉक मतलब क्या होता है, लॉक मतलब कि आपका हो गया, अब ये कंप्लीट, आप अपने इसको चॉइस को बीसीसी बोर्ड के पास भेज रहे हो। तो देखिए सबसे पहली बात, अगर आपने अभी लॉक कर दिया और जब तक डेट है 17 तक, तब आप तक आप अनलॉक करके कुछ चेंजेस इसमें कर सकते हो, बट 17 के बाद आप अनलॉक करके चेंजेस नहीं कर पाओगे। और आप लोग मेक श्योर करना कि 17 तक आप लोग लॉक कर ही दो। अगर आप लॉक नहीं करोगे तो आपको ये चॉइस आपका बीसीसी बोर्ड के पास नहीं जाएगा और आपका अलॉटमेंट नहीं आएगा। तो लॉक करना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। तो लॉक कैसे करेंगे, लॉक करने के लिए आपको जाना है चॉइस फील्ड पे क्लिक करना है। चॉइस फील्ड पे क्लिक करो, यहाँ देखो लॉक फील्ड चॉइस, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आपको यस पूछेगा, उसके बाद ओटीपी आएगा, ठीक है, ओटीपी आएगा। अभी मैं इसको लॉक नहीं कर रहा हूँ कि इसमें मुझे कुछ चेंजेस करना है। ओटीपी आएगा, आपका ये चॉइस लॉक हो जाएगा। लॉक होने का यहां आपको बोलेगा डाउनलोड लॉक्ड चॉइस। तो जैसे आप डाउनलोड लॉक चॉइस करोगे, जैसे इनका मैंने एक बार लॉक कर दिया था, फिर बाद में लॉक किया हूं, तो आप लोगों को मैं दिखा देता हूं कैसा आपको पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। देखिए ऐसा पीडीएफ जो है आप लोगों के सामने मिलेगा, इसमें आपका ऊपर में आपका डिटेल रहेंगे, फिर नीचे जो जो चॉइस आपने फिल किया है वो चॉइस रहेंगे। तो समझ में आ गया, तो उम्मीद करता हूं कि एक एक चीज आपको समझ में आ गया होगा आज के इस वीडियो में, कोई भी डाउट आपका नहीं रहा होगा, सारा चीज मैंने क्लियर कर दिया कि कैसे क्या होता है, कैसे सब लॉक होता है, कैसे अनलॉक होता है, कैसे चॉइस फिल है, काफी मैंने ट्रिक भी बताया। तो वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा आपको, उम्मीद करते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर और चैनल को जो सब्सक्राइब कर ले अगर आप मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं तो, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करें ताकि काफी ज्यादा बच्चों को हेल्प मिले, और सब्सक्राइब जरूर करें, मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत मेहनत करता हूं। सो थैंक यू सो मच, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।